जानेशा चालकों की हड़ताल मुंबई में दिखाई दी गई। इस हड़ताल की वजह से यात्री काफी परेशान दिखाई दिए। कई ऑटो रिक्शा चालकों ने हड़ताल की तो कईयों ने ऑटो चलाई, लेकिन इसमें भी जिन लोगों ने ऑटो चलाई वह रिक्शा चालक मनमानी तरीके से दुगुनी कीमत उठा रहे थे। लोगों ने अपनी मजबूरी देखते हुए ना चाहते हुए भी उन्हें ज्यादा किराया दिया, तो कई यात्री पैदल ही अपना सफर तय करने लगे। इस संदर्भ में लोगों ने क्या कहा ये जानते हैं। तकलीफ हो रही है, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जो रिक्शा मिल रही है वो क्या ज्यादा किराया मांग रहे हैं? मनमानी किराया ले रहा है ना। मतलब यहाँ से अभी आपको आदर्श नगर जाना है तो कितना पड़ेगा? अभी यहाँ से हमको अमृत नगर जाना है, अब उसी इंतजार में मैं यहाँ खड़ा हूँ। महंगाई तो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ तो हम ही जनता पर, पब्लिक पर आ जाता है ना। तो बार बार अभी इससे पहले भी इन लोगों ने हड़ताल करी थी और अभी भी हड़ताल कर रहे हैं, तो मालूम पड़ा कि साल में दो दफ़े हड़ताल ही करेंगे और मनमाना किराए बढ़ाएंगे, तो ये बात अच्छी नहीं ना। नहीं, लोकल में रिक्शा वाले चल रहे हैं ना, लॉन्ग रूट में रिक्शा नहीं जा रहा है। मसलन अगर हमको यहाँ से मलाड जाना है तो रिक्शा नहीं मिल रहा है, अब यहाँ से अमृत नगर जाना है, आदर्श नगर जाना है, तो अंदर अंदर रिक्शा जा रहा है, लेकिन वो भी मनमानी किराया ले रहा है, उठाना पड़ रहा है। क्या पता है आपको? पता है, पता है, लेकिन क्या वजह है जो आपको आज इतना मतलब हड़ताल की वजह से भी जाना पड़ रहा है बाहर? क्या वजह है? जरूरी काम है। मेरे को मेरी बीवी का कल मेरे को सीटी स्कैन कराना था, तो उसके लिए मुझे कूपर हॉस्पिटल जाना था, तो मुझे अंधेरी स्टेशन से कूपर हॉस्पिटल का पैदल जाना आना पड़ा। उसको तकलीफ थी, उसको भी साथ में पैदल लेके जाना पड़ा, लाना भी पैदल पड़ा। हड़ताल की वजह से आज आपको बहुत तकलीफ हुई है। रिक्शा वगैरह नहीं थी? रिक्शा थी, जिसको पूछे कोई 200 मांग रहा है, कोई 250, मनमानी कर रहे, तो फिर हड़ताल कर रहे तो पूरा बंद करके बैठो ना तुम, काय के लिए फिर 200-250 करके जान जला रहे पब्लिक की। आपको पता है कि कुछ पार्टियों ने हड़ताल का विरोध किया, जैसे मनसे हो गया, शिवसेना हो गया, और भी कई पार्टियां हैं, वो लोग ने हड़ताल का विरोध किया है और वो गाड़ी चला रहे, तो क्या उनका दूसरा वजह क्या है कि वो लूटने के लिए ऐसा करते हैं क्या? पता नहीं, अब नाम कमाने कर रहे, लूटने कर रहे, लेकिन मेन बात तो ये कि वो लोग पब्लिक की क्या सेवा कर रहे हो, तो रिक्शे वालों का फ़ायदा है उसमें, रिक्शे वालों का ही फ़ायदा हो रहा है ना। पब्लिक का जैसा भाव बढ़ेगा तो पब्लिक की जेब से जाएगा पैसा, वो कोई पार्टी वाला आके पब्लिक को नहीं देगा भाई तू एक्स्ट्रा ले ले पैसा, ऐसा तो नहीं होगा। ये तो आज जो है कि हड़ताल, आपको बताया कि अब कल से जो है 1 रुपया बढ़ जाएगा, तो क्या कहेंगे? वो तो अभी एडजस्ट करते रहना पड़ रहा है, 1 रुपया के आगे चल के और 2-3 रुपये बढ़े तो भी देना ही पड़ेगा, यही और कुछ नहीं। आज सुबह से आप परेशान हो गए? परेशान, परेशान भी, और प्लस हमारा काम धंधा भी आज वेस्ट हो गया इस वजह से। इसका हर जाना तो फिर आपको वो रिक्शे वाले तो नहीं भरेंगे ना? रिक्शे वाले ना मनसे पार्टी, कोई नहीं, कोई नहीं देने वाला, वो तो हमको ही कवर करना पड़ेगा कल डबल मेहनत करके।